सिक्स समस्याओं का उपचार के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। जो हमारे पास में लोग आते हैं जिनको एक तो नपुंसकत्व है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लिंग में कठोरता नहीं आती है, तो एक प्रकार के लोग है। और दूसरे जो है वो है कि उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, शीघ्र पतन अर्ली डिस्चार्ज होता है। अब मैं दोनों के लिए एक ऐसी बात कर रहा हूं कि जो दोनों को काम में आएंगी। इसमें और दो गट है, एक गट ऐसा है कि जिनकी शादी हो चुकी है और इरेक्शन नहीं आता या लिंग में कठोरता नहीं आती, मतलब शादीशुदा लोगों को ये प्रॉब्लम। दूसरा, शादी नहीं हुई है और उनको अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है या उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा है। मतलब दो ग्रुप है, एक शादी के बाद, एक शादी के पहले। अब उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उनके साथ साथ मैं उनको दवाइयां भी देता हूँ। तो मैं उनको जो दवाइयां देता हूँ तो उनको मैं गोलियां खाने के लिए बोलता हूँ। तो जितनी भी गोलियां मैं उनको प्रिस्क्राइब करता हूँ, हो सकता है कभी चार प्रकार की गोली है, कभी पांच प्रकार की गोली है, तो मैं चार या पांच प्रकार की गोली उनको पहले खाने के लिए बोलता हूँ। ये गोलियां करीब करीब 2 से 3 घंटा पहले सेक्स करने के खाने की है, और 2-3 घंटा पहले ये दवाई यदि खा के फिर आप आपके पार्टनर के पास में सो सकते हैं। अभी आपको दवाइयों के साथ साथ, मतलब गोलियों के साथ साथ मैं ऑइंटमेंट भी देते रहता हूँ या ऑयल भी देता हूँ। तभी जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, मतलब जल्दी वीर्यस्त्राव हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उन्होंने लिंग को ये मलम लगाने का है, मालिश करने का नहीं है, कि मालिश करेंगे तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। और जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब तनाव नहीं आता है लिंग में, उन्होंने मलम लगा के मालिश करने का है। ये दोनों में फर्क है। ये हो गया मलम का, ऑयल का या गोलियों का। अब ये होने के बाद में समझो, जो जिसकी शादी होने की है तो उसने जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं वो सब इमेजिनेशन में करना है, विजुअलाइजेशन में करना है। जिसकी शादी हो चुकी है उसने पत्नी के साथ में करना है, दोनों में फर्क है। तो जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी नहीं हो चुकी है तो करना सेम है, मगर शादी नहीं हुई तो इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में अपने आंखें बंद करके वो कल्पना करना है। शादी हो चुकी है उन्होंने पत्नी के साथ, ये अलग फर्क हो गया। अभी नपुंसकत्व है, मतलब लिंग में कठोरता नहीं आना है, एक प्रॉब्लम हो या अर्ली डिस्चार्ज हो, दोनों के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो है मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, मतलब स्टॉप, स्क्वीज एंड स्टार्ट टेक्निक। फिर पेनाइल रिंग्स, लोकल ऑइंटमेंट जैसा मैंने बताया, कीगल्स एक्सरसाइज है, फिर बैकवर्ड या रिवर्स काउंटिंग मेथड है, फीमेल ऑन टॉप पोजीशन है। तो इसके सब वीडियोस मेरे आपको मिलेंगे अलग यूट्यूब के ऊपर, इसके मैंने वीडियोस बनाए हुए, आप डिटेल में ये वीडियो देख सकते हो। जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब नपुंसकत्व है या लिंग में कठोरता नहीं आती है, तनाव नहीं आता है, उन्होंने भी मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक करना है। और मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक करके फीमेल ऑन टॉप पोजीशन है, और उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। शादी होने की है तो उन्होंने भी सेम करना है, सिर्फ अपने इमेजिनेशन में करना है, इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में करना है। और ये इस तरह का आप इलाज करते हो तो डेफिनेटली दवाई के साथ साथ आप बाकी भी थेरेपीज करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ हम सेक्स काउंसलिंग करते हैं तो सेक्स काउंसलिंग सेमिनार होता है, जिसमें करीब करीब 10-12 दिन का सेमिनार है। मैं आपके साथ में बातचीत करता हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों भी, पति पत्नी दोनों भी वो वीडियो जूम कॉल में आ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे साथ में आ सकते हैं। शादी नहीं हुई है तो अकेला आदमी आ सकता है, और मैं उनको फिर एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या क्या करना है वो, उनके सवाल जवाब, आप मेरे साथ में हो 12 दिन 10-12 दिन, और आपके सब सवालों के जवाब पाते हो और मैं आपको ठीक कर देता हूँ। तो सेक्स काउंसलिंग सेमिनार इसलिए कि जो दवाई नहीं लेना चाहते या दवाई का फायदा हुआ नहीं है, तो उनके लिए सेक्स काउंसलिंग सेमिनार बहुत ही जरूरी है। बाकी रहा कि जिनको अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है या किसी के साथ में बातचीत करते करते डिस्चार्ज हो जाता है, तो उनके लिए भी वही है कि मेरे अलग अलग वीडियो आप देखिएगा, जिसके कि लिंक मैंने दिए हुए हैं यही वीडियो में है, और वो वीडियोस आप देखते हैं तो आपके बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।